बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो विद ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. इस किस्म की मसावात दो दर्जी मसावात कहलाती है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए जो है ए बी और सी ये रियल कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं. ए बी और सी रियल कोएफिशिएंट्स. रियल कोएफिशिएंट मतलब अद्दे सर, हकीकी अद्दे सर. इसमें ज़रूरी चीज़ क्या है कि ए ज़ीरो ना हो, एक्स स्क्वायर का अद्दे सर ज़ीरो ना हो. क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो जाए तो साफ ज़ाहिर है बी एक्स प्लस सी बच जाएगा, वो यक दर्जी मसावात बच जाएगी बन जाएगी. इसे हम सेकंड डिग्री पॉलीनोमियल भी कहते हैं. दो दर्जी मसावात को हल करने के तीन तरीके हैं. आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ है. एक है बजरिया तजजी बाई फैक्टराइजेशन. बजरिया तजजी दूसरा है बाई कंप्लीटिंग स्केयर. कंप्लीटिंग स्केयर ये है कंप्लीट मुकम्मल करना, स्केयर मुरब्बा मुकम्मल करना, बजरिया तकमील मुरब्बा. और तीसरा तरीका सॉल्व करने का बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, फार्मूले की मदद से सॉल्व करना. तो दो दर्जी मसावात को हल करने के तीन तरीके हैं. बाई फैक्टराइजेशन, बाई कंप्लीटिंग स्केयर, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो सबसे पहले बाई फैक्टराइजेशन, इसकी एग्जांपल देखें. ये आपके चैप्टर नंबर 4 की एग्जांपल नंबर 1 है. एक्स स्केयर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. बजरिया तजजी का जैसे कि आप जानते हैं, पहले भी आपको पढ़ा हुआ है, हम पहली और तीसरी रकम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 10x के, पहली और तीसरी को. फिर इस पर तमाम मुमकिन पहाड़े पड़ते हैं जो पॉसिबल हो. अब ये 10 और 1 भी हो सकता है, 5 और 2 10 भी हो सकते हैं. इनमें से आप वो लेंगे जिन्हें जमा करें तो आपको दरमियानी रकम हासिल हो. वो ये वाली बनती है 5 और 2, -5 -2 माइनस का सात. इन्हें इकट्ठा करें तो दरमियानी रकम बनती है. ज़र्ब दें तो ये वाली बनती है -+ +5 × 2 = 10. तो एक्स स्क्वायर -5x -2x +10 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में x कॉमन है, मुश्तरक लें x -5. यहाँ से -2 कॉमन लें x -5. अब इन दोनों में क्या मुश्तरक है, x -5. अब दो फैक्टर हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या तो x -5 0 या x -2 0. तो आइदर x -5 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 2. तो ये सॉल्यूशन सेट, हल सेट 5 × 2, ये आंसर आ गया जी. तो बजरिया तजजी में क्या करते हैं, पहली और तीसरी रकम को ज़र्ब देते हैं. ज़र्ब देने के बाद इनके फैक्टर्स बनाते हैं, अज्जा में तहलील करते हैं, किस तरह तमाम मुमकिन पहाड़े पढ़ लेते हैं. अब हम वो वाली रकम लेंगे जिसमें दो रकमों को इकट्ठा करें तो दरमियान वाली रकम हासिल हो. 5 × 2 = 10, -5 − 2 − 7 बनता है. ठीक हो गया जी. तो -7 को -5 − 2 लिखा, आगे मुश्तरक लेने का अमल है. फिर दो फैक्टर हैं, ज़र्ब खा रहे हैं, ज़ीरो जवाब आ रहा है. इसका मतलब है या तो पहले रकम ज़ीरो है या दूसरी रकम ज़ीरो है. यहाँ से एक्स 5 आता है, यहाँ से एक्स 2 आता है. अब 5 और 2 आंसर आ गए. 5 और 2 दोनों इसके रूट्स कहलाते हैं, अज्जा कहलाते हैं. आप एक्स को 5 पुट करेंगे भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, 2 पुट करेंगे भी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. अब है जी
completing square, takmeel e murabba. Dusri example, ye aapki book ki example number 2 hai, page number 140 pe. X square plus 4x minus 437 is equal to 0. हाँ जी, तो completing square मतलब बाम कमल करना है, उसके steps याद रखने हैं आपने. सबसे पहला काम आप क्या करोगे, constant को मसाले के दूसरी तरफ ले जाओगे. X square plus 4x is equal to 437, पहला step यही करना है तकमील मतलब का. दूसरा काम x square के तीसरे को 1 बनाना है. यहाँ इत्तफाकन 1 बना हुआ है, ठीक हो गया बेटा. अब आपने मुरब्बा मुकम्मल करना है. मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए आप जानते हो a square plus minus 2ab plus b square. अगर आप इस शक्ल में हो तो आप उसे a plus b square या a minus b square लिख सकते हैं. दो के साथ प्लस है तो प्लस, दो के साथ माइनस है तो यहाँ दरमियान में माइनस लगाते हैं. तो मुरब्बा मुकम्मल करने के लिए ये x का मुरब्बा हो गया. अब आगे क्या लिखना है, 2ab, 2 into x, ठीक है जी. अब यहाँ 4 है, हमने 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2, 2 into 2, 4. तो इसका मतलब हुआ दूसरी रकम 2 है. आगे क्या है बेटा, b का स्केयर, b का स्केयर, b हमारा बन रहा है 2, तो 2 का स्केयर 4. लेकिन 4 यहाँ मौजूद नहीं था, हमने अपनी तरफ से लिखा, अपनी तरफ से ऐड किया, तो इधर भी ऐड करेंगे. बोथ साइड 4 ऐड कर दिया, x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 चार 11 4 41, ठीक हो गया. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये प्लस b होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 441. मुरब्बा खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ जजर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड. अब इधर भी जजर लें, इधर भी जजर लें, ये जजर मुरब्बा क्या हो जाएगा, कैंसिल. 441 है, इसका जजर कितना आएगा, 441 का जजर 21, 21. अब दो रकमें हैं आपके पास, एक है प्लस का 21, एक है माइनस का 21. तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 21, x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 21. यहाँ से x क्या आएगा, 21 में से 2 गए 19, यहाँ से x क्या आएगा, माइनस 23. तो सॉल्यूशन सेट यहाँ क्या बन रहा है, माइनस का 23 और जमा का 19, माइनस 23 प्लस 19. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में पहला स्टेप क्या याद रखेंगे आप बेटा, कांस्टेंट को मसावी के दूसरी तरफ ले जाना. दूसरा काम एक्स स्क्वायर के अद्धे सर को 1 बनाना है. 1 बनाने के बाद मुरब्बा मुकम्मल करना है. मुरब्बा मुकम्मल करने का तरीकाकार क्या है, यहाँ 2 लिख लेना है, 2 के बाद एक्स. अब यहाँ बाकी रहो जो रकम भी बच रही है, जैसे यहाँ 4 था तो 2, 6 होता तो 3, 8 होता तो 4, उसी मुनासबत से लिख लेंगे. अब जो चीज़ यहाँ पे है उसी का मुरब्बा, इधर भी ऐड कर दें, इधर भी ऐड कर दें, आ गया सिंप्लीफिकेशन है, ठीक हो गया. उसके बाद आखिरी तरीका, तीसरा तरीका जो है वो है बाय फार्मूला. बाय फार्मूला की एग्जांपल नंबर यहाँ पे 3 है, 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 15. वहाँ लिखा होगा आप इसे बाय फैक्टराइजेशन करें या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करें या बाय फार्मूला करें. कोशिश करनी है आपने, अगर ना लिखा हुआ हो तो बाई फैक्टराइजेशन करें, ना हो रहा बाई फार्मूला करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर की जरूरत ही नहीं है. ये आप तब करेंगे जब वो कहे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करें. ये देखो जनरल मसावात जो थी दो दर्जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ देखें ए क्या बन रहा है, 6, कंपेयर करें, मुवाजना करें. बी क्या बन रहा है, 1. सी क्या बन रहा है, माइनस 15. ए बी सी हो गए. क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी मसावात का जो फार्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a. कल हम इसको प्रूव करेंगे, ये वैसे आपका पढ़ा हुआ है 9th 10th में, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2. ए बी सी की वैल्यूज इसके अंदर दर्ज करें, b की जगह 1,
1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a की जगह 6, c की जगह माइनस 15 ओवर 2, a की जगह 6, माइनस 1 प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। अब जर्ब दें जी 15 छः 90, 90 जर्बे 4 360, 360 ओवर 2 जर्बे 6 12, माइनस 1 प्लस माइनस 361 अंडर रूट ओवर 12, माइनस 1 प्लस माइनस 361, इसका जजर क्या आएगा 19 ओवर 12। अब दो आंसर बन रहे हैं, माइनस 1 प्लस 19 ओवर 12, माइनस 1 माइनस 19 ओवर 12, 19 में से एक गया माइनस 20 बटा 12, तो ये बन जाएगा 6 3 18, 6 2 12, 4 5 20, 4 3 12, तो सॉल्यूशन सेट आपका आ रहा है 3/2 और -5/3, ठीक हो गया। तो आपकी 4.1 इन्हीं तीन मेथड से होगी, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी की आपने एक्सरसाइज आज करनी है, कल इंशाल्लाह इसे आगे चलाएंगे। अल्लाह हाफिज़।